हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम कमांड्स बटन को अपने एक्सेल की डेटाबेस फाइल से लिंक कर सकते हैं, कैसे हम बटन दबाने से एक्सेल डेटाबेस शीट को हाइड और शो कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं उसकी पूरी प्रोग्रामिंग VBA कोडिंग एक्सप्लेन करूँगा, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो पहले मैं आपको एक मिनट के लिए डेमो शो कर देता हूं, फिर उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक यूजर फॉर्म था ऑलरेडी, उसको एक्सटेंड किया है। मैं इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं कि कैसे यूजर फॉर्म को डिजाइन किया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना सिखाऊंगा कि कैसे हम जो है वो इन बटन्स के थ्रू हम जो डेटाबेस की एक्सेल की जो डेटाबेस है उसको हम ऑन एंड ऑफ या हाइड एंड शो कर सकें। तो जो डेमो में दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए पीछे का जो डेटाबेस है वो हमको दिखाई दे रहा है, बट कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि हमको इस डेटाबेस फाइल को जो है वो दूसरों को नहीं शो करना है, सिर्फ हम चाहते हैं कि यूजर फॉर्म है वो डिस्प्ले हो हमारी स्क्रीन पे। तो जैसे ही हम इस ऑफ बटन पे क्लिक करेंगे तो जो डेटाबेस फाइल है वो हाइड हो जाना चाहिए। ये देखिए पीछे का जो डेटाबेस फाइल है वो पूरा हाइड हो चुका है, इसमें सिर्फ यूजर फॉर्म ही आपको डिस्प्ले हो रहा है। इससे क्या होता है, जो हमारा डेटाबेस का जो डेटा है वो किसी को डिस्प्ले नहीं होता है, हम इस यूजर फॉर्म पे बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं विदाउट शोइंग डेटा टू एनीवन एल्स। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन बटन पे क्लिक करूंगा तो डेटाबेस जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, आई होप कि आप इसी एक्सपेक्टेशन को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही हो। जैसा ही आप इसको ऑफ करें तो डेटाबेस फाइल जो है हमारी एक्सेल डेटाबेस फाइल है वो हाइड हो जाए। ऑन ऑफ। तो इस ट्रिक को चले जानते हैं कि कैसे मैंने इसको प्रोग्राम किया है। इसको प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आपके पास फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि कैसे आप एक इमेज की डायमेंशंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी डायमेंशन पे आपको पिक्चर्स जो है वो कट करनी है। कट इन द सेंस कि उसको कैसे हमने डायमेंशंस में लेकर आना है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम पिक्सल्स किसी इमेज की ज़्यादा होती हैं तो वो ब्लर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है वो बेसिक नॉलेज आपको फोटोशॉप की रखनी ज़रूरी है। इसको बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी इमेजेस जो हैं वो फोटोशॉप के थ्रू ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन कर ली थी। तो वो जो डिज़ाइंड मेरे पास फोटोज हैं वो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर में रखी हुई हैं। ये वो इमेजेस हैं जो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ। ये हमारा ऑफ का बटन है और ये हमारा ऑन का बटन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इस यूजर फॉर्म की प्रोग्रामिंग। ये एक यूजर फॉर्म है ऑलरेडी जो डिजाइन किया हुआ है। मैं इस यूजर फॉर्म के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि कैसे यूजर फॉर्म मैंने डिजाइन किया है। वो यूजर्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे आकर के पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इसकी प्रोग्रामिंग जाननी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी कोई अमेजिंग वीडियो हो तो वो उसकी अपडेट जो है वो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका VBA कोडिंग की प्रोग्रामिंग। इसके लिए हमको चाहिए होंगे दो इमेज बॉक्सेस जो कि हम यहां से लेंगे।
इमेज बॉक्सेस के साथ हमको लेना है दो कमांड्स बटन, बट आपको वो मेक श्योर करना है कि जो भी आप कमांड्स बटन लेंगे वो इनके ऊपर लेंगे, इस इमेज बॉक्सेस के ऊपर लेंगे। अब जो नेक्स्ट टास्क जो हमको करना है वो क्या करना है कि हमको जो दोनों इमेज बॉक्सेस है ये इनका साइज जो है वो सेम करना है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि इसकी जो लुक जो है वो थोड़ी अच्छी लगे। देखिए ये साइज इसका जो है वो थोड़ा हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। साइज जो है अभी परफेक्टली सही है। ये जो कमांड्स बटन है इसको हम करेंगे ट्रांसपेरेंट और इसके ऊपर टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसको जो है इस इमेज बॉक्स को हम इसके ऊपर जो है वो ड्रैग कर देंगे। इसको देखते हैं एक बार ये कैसा लग रहा है। राइट, अब हमको प्रोग्रामिंग में जो इनिशियलाइजेशन पे करना है वो क्या करना है, जो कमांड बटन हमारा 4 है और इमेज बॉक्स 2 है उसको हम इनिशियलाइजेशन में क्या करेंगे, उसको डिसअपीयर कर देंगे, उसकी विजिबिलिटी जो है वो हम हाइड कर देंगे। तो इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं।
चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग जो है इतनी वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ये देखिए यहाँ पे जो है वो कमांड बटन जो है अपीयर नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो जो प्रोग्रामिंग की हमने वो काम कर रही है। इसका साइज जो है वो हमको थोड़ा साइज नहीं, जो पोजीशन थोड़ी सी इसको अप करना पड़ेगा। अभी सही है। सिमिलरली जो है वो हमको अब रिवर्स भी करना पड़ेगा। हम ऑन बटन को ऑन बटन को कमांड देंगे तो ऑफ बटन है जो हमारा इमेज बॉक्स 1 और कमांड बटन की वो डिसअपीयर हो जाना चाहिए। चलिए करते हैं इस बटन की प्रोग्रामिंग। जब इस बटन को प्रेस किया जाए तो क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। इसी के साथ क्या होना चाहिए, जैसे ये बटन प्रेस किया जाए तो इमेज visible equal to view command button 4 dot visible is equal to view। और साथ में क्या होना चाहिए, image box 1 dot visible is equal to false command button 3 dot visible is equal to false। और यही जो प्रोग्रामिंग है वो हमको रिवर्स करनी है दूसरे कमांड बटन पे। विजिबिलिटी होनी चाहिए फॉल्स फॉल्स और ये दोनों। हम ऑन बटन पे क्लिक करें डेटाबेस जो है वो आ रहा है, और ऑफ क्लिक करें तो हाइड हो रहा है। फ्रेंड्स आई होप कि यही जो
जो प्रोग्रामिंग है वो आप डन करने की कोशिश कर रहे थे, एंड आई होप कि आपने सक्सेसफुली इस लॉजिक को सीख भी लिया है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ सब फ्रेंड्स से कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अभी इनिशियली चैनल जो है वो मैंने लॉन्च किया है और मेरे को अभी सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ऐसी वीडियोज़ में और आगे ला